नमस्कार साथियों, चलिए तो 17 अगस्त 2022 को रूबी का क्वेश्चन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का हम एनालिसिस वीडियो में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जी आपका जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करने अपने रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अगर निरोधक पदार्थ के रूप में होता है तो एक्स यौगिक का नाम बताना है। देखिए जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 × 2H2O होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं 120 डिग्री पर तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को आपको परास्त और फेरिज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 × 1/2H2O होता है। यह आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अगर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम गर्म करेंगे 120 डिग्री पे तो हमको जिप्सम प्राप्त होगा। जिप्सम को गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त, मतलब ये दोनों एक दूसरे का आपका पूरक होते हैं। ठीक, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि एक दूसरे का जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक दूसरे का पूरक होते हैं। जो 120 डिग्री पर इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अब धुवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका धुवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ये आपका धुवन सोडा का फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा का होता है तो बेकिंग सोडा का आपका NaHCO3 होता है, ये आपका बेकिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कि वास्तविक बड़ा, तो वास्तविक आपका बड़ा भी बनाता है छोटा भी बनाता है। वास्तविक छोटा, आभासी जो होता है हमेशा बड़ा बनाता है, आभासी छोटा नहीं बनाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसलिए होगा कि आभासी जो होता है आपका छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, और जो आभासी होता है वो छोटा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन देखिए ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में देखिए हाईलाइट ग्रुप का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में आपका हाईलाइट ग्रुप यानी कि 17 जो वर्ग है इसी का प्रयोग किया था, जिसमें आपका फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, बोरोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है, इस चीज़ का आपका हाईलाइट में प्रयोग करते हैं। इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, तो आपका सिल्वर ऑक्साइड भी है, भी आपका प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रयोग होता है, आपका सिल्वर क्लोराइड भी होता है। 4 ऑप्शन में दिया है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपका बेटर ऑप्शन आपका 4 है, क्योंकि इसमें सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। एक याद रखिएगा, फोटोग्राफी प्लेट में जो होता है आपका हाईलाइट ग्रुप का प्रयोग होता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर एक दिया है आपकी, आपका एक नंबर में दिया है इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि एक छड़ चुंबक के भांति काम करता है, इसका क्षेत्र रेखीय संकेंद्रित वृत्त होता है। तो देखिए जो कोई भी धारावाही इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा ही, और छड़ चुंबक मतलब उसमें तीव्रता का गुण आएगा। तो ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एडिस का पूरा नाम क्या होता है। तो एडिस का आपका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जांच जो होता है आपका एलिसा जांच होता है, एलिसा। एडिस में आपका क्या होता है, एडिस में आपका WBC यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, WBC आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व का, तो न्यूलैंड ने आपको अष्टक नियम दिया था, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता था और थोरियम तो आपका समाप्त होता था। जो अष्टक नियम जो था ये आपका हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर आपका थोरियम तक लास्ट हो जाता था। अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक नियम आपका हाइड्रोजन ने। पहला जो तत्व जो था आपका, पहला जो 8 के समान होता था, दूसरा जो होता था 9 के समान होता था, तीसरा जो होता है आपका 10 के समान होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 36 का निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर एक में शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, तो जीवाणु और कवक है, तो जीवाणु और कवक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु जो होता है कुछ पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कशेरुकी की एकीकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक है औषधियों और विषों का निराविष्करण, एक दूसरा है कि लिपिड का संश्लेषण, तीसरा है प्रोटीन का संश्लेषण, चौथा है कि जटिल शर्कराओं का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, क्योंकि जो होता है एकीकृत, एकीकृत में क्या होता है उत्सर्जन क्रिया होता है, यानी कि कुछ चीज़ को आपका त्याग करेगा तो किसी चीज़ को कन्वर्ट भी करेगा, तो आपका औषधि और इसे का निर्माण निराविष्करण करके मतलब उसको महत्वपूर्ण कार्य करता है, या करीब जो है जिसको लीवर बोलते हैं।
लीवर जो होता है आपका ब्लड को आपका छानने का काम करता है, यानी कि उसको छानता है। ब्लड जो होता है आपका लीवर ब्लड को छानता है। फेफड़ा जो होता है ब्लड को शुद्ध करता है, यानी कि ऑक्सीजन को मिलाकर ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को ब्लड यानी कि उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को बदल देता है, यानी कि उलट देता है। तो फर्स्ट है कुंडली, दूसरा है कि मृदु लोह कोर, तीसरा है कि विभक्त बलय, आपका चौथा है ब्रश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विभक्त बलय, क्योंकि बलय तो देखिए बलय एक प्रकार का जो होता है रिंग देखिए, जैसे स्प्लिट रिंग बोला है तो रिंग होता है। अगर यहाँ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर चले गया तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यहीं से का ऑप्शन आपका विभक्त बलय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। उसके बाद 47 क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि बल्ब के फिलामेंट को डिटो प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक उच्च प्रतिरोध, दूसरा है उच्च धारा, तीसरा है कि उच्च प्रतिरोधकता, चौथा है कि उच्च वोल्टेज। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है सबसे पहले इसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च आपका प्रतिरोध होगा, निम्न जो होता है इसका गलनांक होता है। मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत आपका उसका सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे आपका घर के कनेक्शन कट जाएगा। जो फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। तो उसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 51। जब परमाणु क्रमांक डिटो और नाभिक आवेश डिटो, तब नाभिक और संयोजन इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल डिटो, इसलिए लिथियम से क्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या, देखिए आवर्त सारणी में जब भी आप देखिएगा तो इसको बना लीजिए। थे तो देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है त्रिज्या रेडियस बढ़ती है। इधर जाएंगे तो घटती है, इधर आपका इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में हमारा जो होता है इस साइड में हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पॉजिटिविटी परमाणु का आकार इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ेगा पर परमाणु की त्रिज्या आकार सब घटेगा। तो बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक हमको देखिए यहाँ पर हलीना तो लिथियम हो गया इधर, इसको हो जाएगा क्लोरीन यानी 17 वाला। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर से हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक घटेगा। तो वही बोल रहा है तो परमाणु क्रमांक जो होता है इधर बढ़ेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन एक है, ये आपका 17 है, हाइड्रोजन का एक इसका 17 है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा यहाँ पे। नाभिक का आवेश भी बढ़ता है, क्योंकि आवेश जो होता है उसका भी बढ़ता है। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल जो होता है ये भी बढ़ता है, और इसका परमाणु त्रिज्या घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या तो नीचे से ऊपर आएंगे तब बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका एक है, क्लोरीन का 17 है, तो ये बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आपका एक है यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 17 का, तो आपका हो जाएगा 2 8 7, इसका 7 है, तो इधर आपका बढ़ रहा है परमाणु त्रिज्या, इसका घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारी की किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर एक है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर दो है प्रकाश का अपवर्तन, 3 नंबर है प्रकाश का वर्णविक्षेपण, 4 नंबर है प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको जो होता है आपका दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण जो होता है, अपवर्तन के कारण जैसे कोई भी आपका प्रकाश जाएगा तो थोड़ा अपने पथ से भी चल जाएगा, जैसे इस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए यहाँ पे, बट इस डायरेक्शन में आपका चल जाएगा, ये अपवर्तनीय घटना होती है। वास्तविक पथ से अपने थोड़ा मुड़ जाता है, जैसे पानी में डूबा हुआ जो सिक्का होता है थोड़ा हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, मछली भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखा पड़ता है। तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे सूर्य का थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश के पर्व में। वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है आपका न्यूटन के डिस्क में जो 7 रंग होते हैं, जो वर्ण विक्षेपण के कारण ही एक ही रंग दिखते हैं। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग जो होते हैं, वर्ण विक्षेपण के कारण एक ही रंग दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाशों को 7 रंग में बटना जो स्पेक्ट्रम होता है, ये भी आपका वर्ण विक्षेपण है। परावर्तन के कारण हमें कोई भी वस्तु को प्रकाश जैसे उस पर रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर बोल रहा है, 62 नंबर बोलेगा श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा का रूपांतरण, दूसरा नंबर पाइरूवेट के एथेनॉल के रूपांतरण, ग्लूकोज के पाइरूवेट के रूपांतरण, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड के रूपांतरण। देखिए तो सबसे पहले हम सांस लेते हैं, तो सांस में हम ऑक्सीजन को कितना लेते हैं, ऑक्सीजन को हम 21% लेते हैं। नाइट्रोजन को कितना लेते हैं, नाइट्रोजन को हम 78% लेते हैं।
वहीं बोला सी ओ टू को लेते हैं, सी ओ टू कितना लेते हैं 0.03% लेते हैं, और छोड़ते हैं कितना छोड़ते हैं आपका ऑक्सीजन हम कितना छोड़ते हैं 16 से 17% छोड़ते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, नाइट्रोजन का जितना लेते हैं नाइट्रोजन उतना हम छोड़ देते हैं। देखिए यहीं वेरिएशन हो रहा है 4% कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑक्सीजन हम लिया 21% छोड़े 16 से 17%, 4% घट गया तो वहीं 4% कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का रूपांतरण आपका आंसर सही हो जाएगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 565 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप निर्धारित करता है। तो ओम का नियम देखिए, ओम का नियम जो होता है वी बराबर आई आर होता है, तो इसमें देख लीजिए ओम का नियम यहाँ पर कौन सा सही है, तो वी बराबर आई आर फर्स्ट है आपका आंसर सही हो जाएगा। वी बराबर वी स्क्वायर बाई आर ए भी ना होता है, क्योंकि आर बराबर आई बाई वी नहीं, आर बराबर यहाँ पर लिखिएगा तो वी बाई आई आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद आई बराबर आर बाई वी, आर बाई वी ना होता है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिस पर भूमि में प्रवेश करता है डिटोइटो कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, देखिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हमको पानी का लॉस होता है, उसके बाद अंत अस्कंदन होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि अंत पानी के अंदर पानी जमीन के अंदर पानी जा रहा है तो अंत अस्कंदन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, फ्यूज तार को विद्युतमय तार को जोड़ा जाता है, फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, चयनित पदार्थ का गलनांक आपका निम्न होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन गलती नहीं, तो ऑप्शन एक और ऑप्शन दो आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जिसमें तीनों में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोर एल्कली तीन प्रक्रिया में तीन उत्पाद, क्लोर एल्कली यानी एल्कली क्या क्षार धातु, क्षार धातु आपका फर्स्ट ए होता है और सेकंड ए होता है, इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको क्षारीय जैसे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल फर्स्ट हुआ इस सेकंड हुआ, तो प्रथम जो होता है इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा क्लोर एल्कली, जिसमें एल्कली क्लोरीन भी, तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोजन आपका NH2CO3, क्लोरीन ऑक्सीजन NH2CO3, तो इसका सही ऑप्शन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोर बोल रहा है, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन भी हो आपका एल्कली भी पदार्थ यानी क्षारीय धातु भी हो, तो क्षारीय धातु आपके NaOH होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दो कर्मागत सजातीय श्रेणी सदस्यों के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, तो सजातीय श्रेणी के द्रव्यमान का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए कोई भी जैसे हम लेते हैं CH3, ठीक, एक लेते हैं CH2, अब उसके बाद हो गया 5, ठीक, इस दोनों का सजातीय श्रेणी है, इस दोनों का आप अंतर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये हुआ गया हाइड्रोजन 3 को, यहाँ पे 5 है तो H2 आ जाएगा, यानी कि CH2 का कोई भी अंतर होता है, यानी कि वही द्रव्यमान बोल रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान बोल रहा है, तो द्रव्यमान देखिए कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, तो ओवरऑल आपका 14 होता है, ऑप्शन आपका कोई भी सजातीय श्रेणी बोले, अगर द्रव्यमान का बोले तो आप 14 आंसर मारिएगा, और वहीं पर आपका जैसे इसी का बोले, जैसे सजातीय श्रेणी के बोले तो CH2 आंसर हो जाएगा, कोई भी सजातीय श्रेणी, कोई भी सजातीय श्रेणी जैसे एल्केन ले लीजिए, एल्किन लीजिए, एल्किन लेते हैं जैसे मान लेते हैं एल्किन, तो CnH2, ठीक, H2 हो गया, चाहे 2 ले लेते हैं 2 और 2 × 4, ठीक, उसके बाद 3 ले लेते हैं कार्बन 3, यही हो जाएगा 3 × 6, इसके अंतर लीजिएगा तो यहाँ 3 हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1, फिर हाइड्रोजन यहाँ 4 हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, कोई भी सजातीय श्रेणी के अंतर बोलेगा तो CH2 होगा, अगर रहमान आपका बोलेगा।